आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक समागम माना जाता है कुंभ मेला को। कुंभ मेले के बारे में सब कुछ जानिए विस्तार से। आप देख सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। कुंभ मेला हिंदू धर्म का एक प्रमुख तीर्थयात्रा और उत्सव है। यह लगभग हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। यह चार नदी तट तीर्थ स्थलों पर आयोजित किया जाता है। इसमें गंगा, यमुना एवं सरस्वती नदियों के संगम स्थल प्रयागराज में, गंगा के तट पर हरिद्वार, गोदावरी के तट पर नासिक और क्षिप्रा के तट पर उज्जैन में इसका आयोजन होता है। यह त्योहार नदियों में पवित्र स्नान के साथ मनाया जाता है, लेकिन यह सांस्कृतिक उत्सव भी है जिसमें कई मेलों, शिक्षा, संतों द्वारा धार्मिक प्रवचन, साधुओं की सामूहिक सभाएं और मनोरंजन शामिल है। अगर आप भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। कुंभ मेले का इतिहास जानिए। जानकार विद्वानों के अनुसार कुंभ मेले की उत्पत्ति का सटीक इतिहास ज्ञात नहीं है, हालांकि इसका उल्लेख प्राचीन भारतीय ग्रंथों में मिलता है। कुछ लोग मानते हैं कि इसकी शुरुआत 8वीं शताब्दी के हिंदू दार्शनिक और संत आदि शंकराचार्य ने की थी। उन्होंने इसे दार्शनिक चर्चाओं और बहसों के लिए प्रमुख हिंदू सभाओं को शुरू करने के अपने प्रयासों के हिस्से के रूप में शुरू किया था। कुंभ मेले का धार्मिक महत्व जानिए। कुंभ मेले का धार्मिक महत्व बहुत गहरा है। हिंदू धर्म के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत कलश प्राप्त करने के लिए एक महान युद्ध हुआ था। यह युद्ध 12 दिनों तक चला और हर बार जब बृहस्पति कुंभ राशि में प्रवेश करता है तो यह युद्ध का एक दिन माना जाता है। इस दिन को पवित्र माना जाता है और लाखों लोग पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह त्योहार हिंदुओं के लिए धार्मिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। हर कुंभ अवसर पर लाखों हिंदुओं ने समारोह में भाग लिया है। भारत के सभी कोनों से सन्यासी, पुजारी और योगी कुंभ में भाग लेने के लिए एकत्र हुए। हरिद्वार को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इस तथ्य के कारण कि गंगा यहाँ से पहाड़ों से मैदानों में प्रवेश करती है। इस त्योहार पर पूरे भारत के सभी आश्चर्यजनक संतों द्वारा दौरा किया जाता है। नागा साधु एक ऐसे हैं जो कभी भी कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं और इनके पूरे शरीर पर इनके द्वारा राख मली जाती है। इन लंबे बाल वाले नागाओं पर भीषण सर्दी और गर्मी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उर्ध्वा वाहुरस वो लोग हैं जो शरीर को तप से निकालने में विश्वास करते हैं। पारिवाजक वो लोग हैं जो चुप्पी साधे रहते हैं और लोगों को अपने रास्तों से बाहर निकालने के लिए घंटियों का प्रयोग करते हैं। सिरसासीन वो लोग हैं जो 24 घंटे सर के बल खड़े होकर तप करते हैं। कल्पवासी वे लोग हैं जो दिन में 3 बार स्नान करते हैं और पूरे कुंभ के दौरान गंगा के किनारों पर समय बिताते हैं। यह माना जाता है कि कुंभ के दौरान स्नान करना सभी पापों और बुराइयों का इलाज करता है और बाघ मोक्ष प्रदान करता है। यह भी माना जाता है कि कुंभ योग के समय गंगा का पानी सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है और कुंभ के समय जल सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की सकारात्मक विद्युत चुंबकीय विकिरणों से भरा होता है। कुंभ मेले में भाग लेने वाले लोगों के बारे में जानिए। कुंभ मेले में दुनिया भर से लाखों लोग भाग लेते हैं। इनमें साधु संत, तपस्वी, तीर्थयात्री और आम लोग शामिल हैं। साधु संत विभिन्न संप्रदायों से आते हैं और वे अपने रंगीन वस्त्रों और अद्वितीय शैलियों के लिए जाने जाते हैं। तपस्वी कठोर तपस्या करने वाले लोग हैं और वे अक्सर नग्न या कम कपड़ों में रहते हैं। तीर्थयात्री दूर दूर से आते हैं
और वे पवित्र नदियों में स्नान करके पापों से मुक्ति पाने की उम्मीद करते हैं। कुंभ मेले के सांस्कृतिक महत्व जानिए। कुंभ मेला न केवल धार्मिक महत्व का है बल्कि यह सांस्कृतिक महत्व का भी है। यह भारत की विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का उत्सव है। मेले में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें नृत्य, संगीत, नाटक और कविता पाठ शामिल है। ये कार्यक्रम भारत की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को प्रदर्शित करते हैं। कुंभ मेले का सामाजिक महत्व भी जान लीजिए। कुंभ मेला सामाजिक महत्व का भी है। यह लोगों को एक साथ लाता है और सामाजिक बंधन को मजबूत करता है। यह लोगों को विभिन्न धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोगों के साथ बातचीत करने और एक दूसरे को जानने का अवसर प्रदान करता है। यह सामाजिक सद्भाव और सहिष्णुता को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। अब जानिए कुंभ मेले का आर्थिक महत्व। कुंभ मेला आर्थिक महत्व का भी है। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देता है और रोजगार के अवसर पैदा करता है। यह स्थानीय व्यापारियों, दुकानदारों और सेवा प्रदाताओं के लिए अच्छा कारोबार है। यह पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देता है क्योंकि कई लोग कुंभ मेले में भाग लेने के लिए यात्रा करते हैं। कुंभ मेले का पर्यावरणीय महत्व को जानिए। कुंभ मेला पर्यावरणीय महत्व का भी है। यह लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। मेले के दौरान स्वच्छता और सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। स्वयंसेवक और सरकारी एजेंसियां मेले के स्थल को साफ और स्वच्छ रखने के लिए कड़ी मेहनत करती है। कुंभ मेले का महत्व कई तरह से है, इस बारे में हम आगे आपको बताने जा रहे हैं। कुंभ मेले में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ मेले में मंत्रों का जाप, भक्ति गीत, पौराणिक कहानियां, पारंपरिक नृत्य जैसे कार्यक्रम होते हैं। कुंभ मेले में अखाड़े, आध्यात्मिक गुरु, संत और नागा साधु आते हैं। कुंभ मेले में सांस्कृतिक विविधता और मान्यताओं का प्रतिनिधित्व होता है। कुंभ मेले का महत्व ज्योतिषीय भी है, जिनमें कुंभ मेले का आयोजन बृहस्पति, सूर्य और चंद्रमा के ज्योतिषीय संरेखण के आधार पर 12 साल के चक्र में होता है। कुंभ मेले से जुड़ी मान्यता है कि कुंभ के समय गंगा का पानी सकारात्मक ऊर्जा से भरा होता है। कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह आने वाले कई वर्षों तक जारी रहेगा। हालांकि आधुनिक समय में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इन चुनौतियों में भीड़भाड़, यातायात, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण शामिल है। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए सरकार और स्थानीय अधिकारियों को मिलकर काम करना होगा। कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक विरासत का एक अनमोल रत्न है। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है और यह लाखों लोगों को एक साथ लाता है। यह न केवल धार्मिक महत्व का है बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय महत्व का भी है। आने वाले वर्षों में कुंभ मेला जारी रहेगा और यह भारत की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करता रहेगा। हरि ओम। अगर आप भगवान शिव जी, भगवान विष्णु जी एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, जय विष्णु देवा, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्मग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है
कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।